नमस्कार, आप देख रहे हैं सड्डा पंजाब, आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। 19 मई को लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण का वोटिंग होनी है और इस चरण में पंजाब में भी वोटिंग होनी है। बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तो बीजेपी के पंजाब लोकसभा प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु भी चुनावी रणनीति को धार देते नजर आ रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ में बीजेपी के विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ। रैली में जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की तो वहीं हरियाणा के वित्त मंत्री, चंडीगढ़ और पंजाब के बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ मंच साझा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु आपस में चर्चा करते हुए भी नजर आए। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जोरदार नारे लगवाए। कैप्टन अभिमन्यु का जोश देखकर रैली में मौजूद लोग भी काफी उत्साहित हो गए और कैप्टन अभिमन्यु के साथ मिलकर जोरों से पीएम मोदी का स्वागत किया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पंजाब के लोकसभा चुनाव प्रभारी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आप सबके समक्ष आने वाले हैं। जब मोदी जी आते हैं तो सब मिलकर नारे लगाएंगे, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता की, मोदी मोदी, फिर एक बार मोदी है तो, मोदी है तो। रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वो दौर जो है चला गया है जिसमें फैमिली फर्स्ट होती थी, लेकिन अब फैमिली फर्स्ट नहीं बल्कि नेशन फर्स्ट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता जानती है देश किस पार्टी के लिए सर्वोपरि है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि 2014 के मैंडेट को दोहराने का वक्त अब आ चुका है। बता रहा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। इसका कारण साफ है, देश मजबूर सरकार के लिए नहीं, बुलंद हौसले वाली मजबूत सरकार को चुन रहा है। देश फैमिली फर्स्ट के बजाय इंडिया फर्स्ट को चुन रहा है। आई और बहनों, 2014 में चंडीगढ़ सहित पूरे हिंदुस्तान ने जो मैंडेट दिया, जो आदेश आपने इस प्रधान सेवक को दिया, उसको कांग्रेस और उसके महान मिलावटी साथी आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। इन्होंने बीते 5 वर्ष में मेरे हर फैसले, हर योजना को अपमानित करने की कोशिश की है। जब लाल किले से मैंने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की तो ये सारे महामिलावटी खड़े हो गए, अरे ये पीएम कैसा है, लाल किले पर से टॉयलेट की बात करता है, मजाक उड़ाया, भांति भांति के सवाल उठाए। इस तरह के सवालों ने एक के बाद जैसे मानो मुझ पर बौछार कर दी। आज भारत के पास रुपे क्रेडिट कार्ड और भीम ऐप के रूप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है।
भारत आज डिजिटल पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और हमारे रुपे कार्ड की इज्जत तो आज सिंगापुर में भी आप भारत के रुपे कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से हमारा विस्तार हो रहा है। स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट लेकर गांव गांव में बैंकिंग सर्विस की होम डिलीवरी करने लगा है। इतना ही नहीं, हमने एक डिजिटल त्रिशक्ति खड़ी की है, जैम, JAM, यानी जैसे जनधन बैंक खाते, ऐसे आधार कार्ड और एम से आपका मोबाइल फोन। वहीं इस रैली में हरियाणा के वित्त मंत्री और पंजाब लोकसभा चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्ष को चारों खाने चित कर रही है। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। इससे बड़ी रैली चंडीगढ़ में कभी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई का चुनाव का परिणाम आज चंडीगढ़ के लोगों ने बता दिया है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने कमल के फूल पर अपनी मोहर आज ही लगा दी है। सब मिलकर नारा लगाएंगे, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हर एक खड़ा होकर के हर एक अपने आप को जोड़े, हर एक मोदी जी का साथ दे। आप सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं, आप सब भारत माता की संतान हैं। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता सुमित जोशी इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये जो रैली चंडीगढ़ में हुई है बीजेपी की, जिसे विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया, किस तरीके से इस रैली का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया, और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा कि भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली, और हमने सुना भी कि किस तरीके से कैप्टन अभिमन्यु ने खुद कहा कि अब तक की ये ऐतिहासिक रैली है चंडीगढ़ में बीजेपी की। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अगर कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए तो पंजाब और चंडीगढ़ लोकसभा इंचार्ज हैं और बड़ी जिम्मेदारी इंचार्ज की रहती है कहीं ना कहीं कि आखिरकार चाहे रैलियां होनी है, चाहे चुनाव प्रचार होना है, चाहे फिर अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज करवानी है, उसके बीच में लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है। और जिस तरह से कल अगर बात की जाए कि नरेंद्र मोदी की रैली चंडीगढ़ में होती है और उसके बीच में एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा होता है और लोगों की कहीं ना कहीं अगर वाहवाही देखा जाए तो आखिर तक मोदी को लेकर के रही, तो इसमें सीधे तौर पे कह सकते हैं श्रेय कहीं ना कहीं लोकसभा इंचार्ज को जरूर जाता है, क्योंकि अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो उम्मीदवार अपनी बात जरूर सामने रखता है, लोग उसके पूरे 5 साल के कार्यकाल पर वोट करते हैं, ये सब चीजें काफी ज्यादा अपने आप में अहम रहती हैं। लेकिन अगर मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया चंडीगढ़ को लेकर के, उससे पहले कैप्टन अभिमन्यु जिक्र करते हैं कि जो कुछ पहले नहीं था यहाँ पर, जो पहले नहीं चल रहा था, चाहे सीएनजी की बात हो, केरोसिन फ्री करने की बात हो, या फिर लोगों को जो जन सुविधाएं दी गई शुरू की गई, और आगे के लिए जो कुछ है उन्होंने एक रोड मैप सामने रखा। कुछ देर के लिए आपको हम रोकना चाहेंगे, आप बने हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ HS ग्रेवाल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं फुलनार पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ गुरविंदर बाली जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा HS ग्रेवाल साहब, अब बीजेपी की ओर से इस रैली का आयोजन किया गया जिसे विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, सर माने कि जो भीड़ यहाँ पर पहुंची है ये वोटों में तब्दील होगी, क्या ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो आजकल इतनी गर्मी में कौन आता है और कौन आके दो दो तीन तीन घंटे बैठता है, वो तो वोटों में तो तब्दील होगी, क्योंकि मोदी लहर चल रही है देश के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी है, तो इसलिए लोग मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं और आ भी रहे हैं, और हमें भारी जन समर्थन मिल रहा है लोगों से, और मैं ये समझता हूँ कि लोग कांग्रेस से दुखी भी हैं यहाँ पे जी, क्या उसकी, क्योंकि उन्होंने सभी झूठे वादे किए और कोई भी पूरा नहीं किया, और उनके राज में किसान जो है कम से कम 1200 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं 2 साल के अंदर, और मजदूर भी, और अब तो छोटा दुकानदार भी सुसाइड करने लगा क्योंकि इन्होंने झूठे वादे किए और नौजवानों के साथ भी
कि घर घर नौकरी देंगे, उस पर साइन कर दिए, फॉर्म भर दिए। अब तो प्रशांत किशोर जो इनका मैनेजमेंट कर रहा था चुनाव की उस समय की, वो भी शर्मिंदा है। उसने एक राहुल गांधी को पत्र लिखा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि लोगों के किए हुए वादे पूरे नहीं किए और आगे से मेरी क्रेडिबिलिटी भी और मेरी कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो जरूर पूरे किए जाए, नहीं तो ऐसे झूठे वादे ना किए जाए, ये उसने कहा है। जी। तो ये हमने कह रहे हैं, ये इन्हीं का व्यक्ति कह रहा है जो इनकी। लेकिन एच एस ग्रेवाल जी मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि किरण खेर के सामने अपनी सीट को बचाने की चुनौती होगी। पिछली बार हमने देखा किस तरीके से 70,000 वोटों से वो जीती थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला बेहद कड़ा होगा। आप मानते हैं ऐसा? इन बातों में कोई दम आपको नजर आता है? मोदी जी के आने के बाद वो मुकाबला जो है अब नहीं है, और सामने जो है बड़ी भ्रष्टाचार से लिप्त जो है पवन बंसल जी, वो उनके वो है कैंडिडेट है, इसलिए लोग उस बात को भी समझते हैं। आजकल ईमानदारी को प्रमुखता देते हैं लोग, और फिर परफॉर्म करके भी दिखाया हमारी उस मेंबर पार्लियामेंट ने। आप देखो कि डीजल पेट्रोल जो है वो उसी की वजह से 2 रुपए सस्ता है अभी पंजाब हरियाणा से सभी जगह से जी। और पंजाब सरकार ने तो और उसमें बेईमानी कर दी कि उसमें जो अपना शेयर कम करना था वो भी नहीं किया, तो इसलिए वो और ज्यादा फर्क रह गया पंजाब का। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि लोग इनको देख चुके हैं और लोग इनको अब पसंद भी नहीं करते हैं, तो जिस तरह से इन्होंने झूठी बातें लोगों के साथ की हैं, और किसानों का पूर्ण कर्ज माफी कह के कर्ज माफी नहीं की गई, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये इस टाइम अकाली श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को काफी इजाफा भी मिलेगा और समर्थन भी मिलेगा, जन समर्थन मिल भी रहा है, और इससे ये घबराए हुए बहुत गलत बातें कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और कोई भी इनकी बातों में सच्चाई नहीं है। और अब राहुल गांधी तो आके सिखों का जो सभी जगह वोट है और पंजाबियों के वोट है, 1984 रॉयल्स को उसके गुरु। चलिए सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। गुरविंदर बाली जी हमारे साथ थे, लेकिन अभी हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरदीप पिंगड़ा साहब हैं, उनसे हम सवाल कर लेते हैं, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर हरदीप पिंगड़ा जी, मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है कि एच एस ग्रेवाल साहब का ये कहना है कि ये जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, पहली बात तो ऐतिहासिक ये रैली थी बीजेपी की, इतनी संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंची है, और उन्हें पूरा यकीन भी है कि ये भीड़ ही नहीं है सिर्फ, ये भीड़ जो है वो 19 तारीख को वोटों में भी तब्दील होगी। देखो ऐसा होता है, भीड़ तो जो है ना वोट कभी नहीं होते। अगर आप भीड़ देखें तो जो आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी माघी के मुक्तर के मेले में, मैंने उतना बड़ा इकट्ठ कभी नहीं देखा आज तक, कभी भी इतना पॉलिटिकल इकट्ठ किसी की रैली, ना किसी प्रधानमंत्री की ना किसी और की रैली में, सिवाय मिसेज इंदिरा गांधी की जो रैली थी एक बार वोट क्लब पे, उसमें इतना रश था, लेकिन वोटें उनको कोई नहीं पड़ी, सीटें बीसी आई। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको आपको जो भीड़ होती है वो वोटें होती है, भीड़ तो एंटरटेन भी होने आती है, और मोदी जी तो गुड एंटरटेनर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अच्छे एंटरटेनर हैं, वो लोगों को अच्छा एंटरटेन करते हैं, गप मारते हैं, कभी वो कहते हैं डिजिटल कैमरा 85 में यूज किया था, कभी वो कहते हैं मैंने ईमेल यूज कर लिया था 96 में, कभी वो कहते हैं कि जो जो प्लास्टिक सर्जरी हम सबसे बढ़िया करते थे श्री गणेश जी का जो था, तो ये बातें जो हैं, कभी वो कहते हैं कि रडार जो है वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाता, तो ही इज़ अ गुड एंटरटेनर, मैं भी जाना चाहूंगा उनकी रैली में एक आध बार सुनने के लिए ऐसी गप्पे, लेकिन हरदीप किंगरा जी लेकिन यही बात तो राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं कि वो बहुत बड़े एंटरटेनर हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, एक भी गप मारो। देखो जो राहुल, देखो मैं आपको बताता हूँ, लीव साइड द पॉलिटिकल बात मत करो, मैंने दोनों के भाषण सुने हैं जी। एक के भाषण में संजीदगी है, एक के भाषण में दर्द है, सिर्फ वोटों के राजनीति है और कुछ नहीं है, दोनों में इतना फर्क है। देखो मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, एक आदमी जो है वो बिल्कुल वो बात कर रहा है कि तुझे वोटे लेने का तुम्हारे मारने का उसके बाद कुछ नहीं करना है, और एक आदमी भारत में वाक्य ही जो गरीबी को संजीदगी से सोचने वाली बात है, लोगों के संजीदगी से सोचने वाली बात है, वो कर रहा है, दोनों बातें अलग अलग। आ रहा हूँ सर, एच एस ग्रेवाल जी, एक गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, और ये कह रहे हैं हरदीप जी कि मोदी जी जो हैं वो बहुत बड़े एंटरटेनर हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी वो कह जाते हैं जिनका सच्चाई से किसी तरह का ताल्लुक नहीं होता, सरोकार नहीं होता है, इसीलिए पूरी दुनिया उनको सल्यूट करती है, इसीलिए देश पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, इसीलिए देश दुनिया में स्पेस में चौथी बड़ी शक्ति बन गया है, इसीलिए देश जो है मंगल ग्रह पे भी पहुंच गया है,
इसीलिए इस देश को जो डेवलपमेंट होती है। अरे यार क्यों फालतू बात करते हो, क्यों फालतू बात करते हो, बोलने फालतू बात हम छोड़े। मंगल ग्रह पे कहां पहुंच गए हम? अरे 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 बात सुन लो, बात सुन, मेरे को बोलने दो, मेरे को पढ़ना मत सिखाओ, मैं भी आप जैसा कईयों को पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक एक करके अपनी बात रख लीजिए आप, एक एक करके। दूसरी बात ऐसी है कि मैं आपको बीच में टोका लिया, आपका सुनता रहा। प्रधानमंत्री के एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति नहीं है, इस देश की शान है प्रधानमंत्री, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। ये कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री कर्मियों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपमान करते हैं इन पदों का, संवैधानिक पदों का, ये संविधान में भी इनका विश्वास नहीं। चलिए लेकिन ग्रेवा साहब का अपमान करते हैं। ग्रेवा साहब आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, और सवाल मेरा आपसे सीधा सा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चंडीगढ़ में होती है। जी मेरा सवाल सुन लीजिए आप, उसके बाद आपका जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली यहां पर होती है। चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। हरदीप जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हरदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली यहां पर हो रही है, हुई चंडीगढ़ में कल, आपको नहीं लगता है कि इस रैली का असर यहां पर देखने को मिलेगा और बीजेपी कैंडिडेट को मजबूती यहां पर मिलेगी? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री एक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है और आदरणीय है। प्रधानमंत्री की जो स्पीचें होती हैं उनकी किताबें छपती हैं, द स्पीचेज ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन आप बताएं कि मोदी जी की कौन सी स्पीच उस किताब में जाएगी, मुझे बता दें, मैं पढ़ूंगा उसको। मैं नहीं कहता कि मैं नहीं, कौन सी वो स्टेट्समैन होते हैं प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी जो है बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, कैसे बोलते थे, दुनिया बहुत हो जाती थी, क्या क्या उनके सब्सटेंस होता था। स्पीच में तीन चीजें होती हैं, एक होती है डिलीवरी, एक होता है सब्सटेंस, एक होता है फ्लो। मोदी जी की डिलीवरी पार एक्सेलेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो मैं ऊपर उठ के पार्टी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी की स्पीच में सब्सटेंस जो है वो नेगेटिव नंबर ले जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं जो प्रधानमंत्री के संस्थान को शोभित नहीं करता है। ये चीजें बिल्कुल शोभित नहीं देती है, ऐसी बातें करनी जी, जो वो करते हैं, कि वो करते हैं कि मैंने ईमेल भेजी, मैंने वो, आप बताइए 85 में 88 में कहाँ था डिजिटल कैमरा? आपके जो बड़े बड़े एयरफोर्स के अफसर हैं उन्होंने कैसे मान लिया? ठीक है हरदीप जी, बिल्कुल हरदीप जी आ रहे हैं हम आपके पास, हम आ रहे हैं आपके पास, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी हरदीप जी मैं आ रहा हूँ, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। सुमित हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार आप इलेक्शन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, किस तरीके की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है यहाँ पर? देखिए चंडीगढ़ की स्थिति की अगर बात की जाए तो बेशक नेता कुछ भी कहें, आखिर यहाँ की सुंदरता को लेकर के या फिर यहाँ पर काफी कुछ सवारने को लेकर के कमियां हर एक जगह पर रहती हैं, और अगर चंडीगढ़ की बात हम करते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ बदलाव की अभी जरूरत है वो अगर हम कहें, ये जरूर है कि ट्रैफिक की लेकर समस्या की बात हो या फिर स्लम्स एरिया है वहां पानी की कमी की बात की जाए या फिर सफाई की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं बाकी हिस्सों की तरह पे है। लेकिन अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि जो बाबुओं का शहर कहा जाता था चंडीगढ़ को जो एक समय के बीच में, वो अब बदलता हुआ दिखाई देता है। पवन बंसल ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उन्होंने अलग से एक अपना पूरा ब्यौरा सामने रखा है, हालांकि सवाल अब उन पर ये भी है कि जब वो सत्ता में थे तो आखिरकार क्या इन सब चीजों पर वो काम नहीं कर सके या समय नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से किरण खेर के लिए भी एक चुनौती ये रहने वाली है कि आखिरकार लोगों के साथ में, क्योंकि जो एक सेलिब्रिटी चेहरा रहता है जहां उसको जहां पार्टी को फायदा मिलता है चुनावों के समय में, उसके बाद में वो परेशानी भरा भी कहीं ना कहीं बन जाता है क्योंकि लोगों को वो समय वो सेलिब्रिटी चेहरा नहीं दे पाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब सीधे रूप में कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जो रैली थी, मोदी ने पूरे अगर देखें उनका भाषण था जो उस पूरे भाषण के बीच में एक चीज साफ थी कि मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि जो मैं काम कर रहा हूं लोगों को उसको देखना होगा, उनको छोटी छोटी बातों को पीछे छोड़ करके जो देश ने एक पूरी नीति आगे के लिए बनानी है उसको देख करके वोट करेंगे। और सीधे तौर पर जो कल नारेबाजी भी हुई, अगर नरेंद्र मोदी की तरफ से बात की जाए, कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से की जाए या फिर बाकी जो मंच संचालक थे उनकी तरफ से बात की जाए, तो सीधे रूप में एक ही बात कि मोदी को जिताना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए भी चुनौती बड़ी है क्योंकि राहुल गांधी कुछ दिन पहले जिस तरह से चंडीगढ़ में आए थे तो अपना विजन उन्होंने सामने रखा था, पर उसके बाद में जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी की रैली होती है तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस तो जरूर बन गया है दो बड़े, अगर हम कहें कि बड़े नेताओं का पार्टी के का, लेकिन जनता इस चीज को जरूर कहीं ना कहीं तोल मोल कर देखेगी कि आखिर पलड़ा किसका भारी नजर पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी की रैली जिस तरह से हुई है और जो जनसैलाब कहीं ना कहीं रैली के बीच में देखा गया है, कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीदवार को उसका फायदा जरूर मिले।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चंडीगढ़ में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, भारी संख्या में लोग उमड़े और बीजेपी का दावा यह है कि ये जो लोग यहाँ पर उमड़े हैं ये वोटों में तब्दील होंगे और एक बार फिर से किरण खेर भारी मतों से विजय हासिल करेंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।